दोस्तों, अगर आप VI का सिम कार्ड यूज करते हैं यानी वोडाफोन का, और आपका इंटरनेट स्लो रहता है या तो आपके मोबाइल में नेटवर्क कम रहता है और आप सोचते हैं कि आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाए और आपके मोबाइल से नेटवर्क कभी जाए ना, ख़त्म ना हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने VI सिम का इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ा सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल कटोरी। दोस्तों, आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में ऊपर से खींचना है। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल डेटा का ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप जो कि अपना इंटरनेट चालू करते हैं। आपको उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिस पर लिखा होगा एक्सेस पॉइंट नेम। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। आपको क्या करना है, 3 बिंदी पर क्लिक करना है। 3 बिंदी पर क्लिक करने के बाद रेस्ट टू डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। जो आपका ओल्ड APN होगा यहाँ पर जो कि रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहीं 3 बिंदी पर आपको क्लिक करना है और 3 बिंदी पर क्लिक करके आपको न्यू APN पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो कि न्यू APN का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना, नहीं तो अगर आपके फ़ोन में प्लस का आइकन कहीं दिखाई दे रहा होगा नीचे या तो ऊपर, तो आपको प्लस पर क्लिक करना है और न्यू APN का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो न्यू APN पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, नेम पर क्लिक करना है और नेम पर क्लिक करके यहाँ पर लिखना है VI GigaNet 4G। तो चलिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम लिखेंगे, जो अक्षर छोटा लेटर में होगा उसे आपको छोटा लेटर में लिखना है, जो अक्षर बड़ा लेटर में होगा उसको आपको बड़ा लेटर में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं VI GigaNet 4G। तो यहाँ पर हमने लिख दिया VI GigaNet 4G। आपको इसी प्रकार से लिख करके ओके कर लेना है। दोस्तों, नेम को ओके करते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस पर लिखा होगा APN। आपको APN पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बड़ा लेटर में 3 बार WW लिख करके ओके कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने WW लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर ओके कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको प्रॉक्सी में कुछ नहीं करना है, पोर्ट में कुछ नहीं करना है, यूजर नेम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम का ऑप्शन मिल जाता है। यूजर नेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है SpeedBoatGigaNet। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं SpeedBoatGigaNet। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है SpeedBoatGigaNet। दोस्तों, आपको इसी प्रकार यूजर नेम के अंदर लिख करके ओके कर लेना है। यूजर नेम के अंदर लिखने के बाद आपको पासवर्ड में कुछ नहीं करना है, सर्वर पर क्लिक करना है। सर्वर के अंदर आपको लिखना है www.myvi.in। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया www.myvi.in। आपको इतना लिख करके सर्वर को ओके कर लेना है। सर्वर को ओके करने के बाद आपको सीधे नीचे तक आना है जब तक आपको ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है, पैप और चैप। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, APN टाइप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके नीचे हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है APN टाइप, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लिख देना है डिफ़ॉल्ट। तो चलिए यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट लिख करके ओके कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट लिख करके आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, APN प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है। APN प्रोटोकॉल पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है, IPv4 IPv6। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, APN रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको नीचे वाले को सिलेक्ट कर देना है, IPv4 IPv6। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा B error, तो आपको B error पर क्लिक करना है। ऊपर अनस्पेसिफाइड पर टिक मार्क लगा होगा, यहाँ से हटाना है। LTE पर आपको क्लिक कर देना है और GPRS ढूंढ लेना है कहाँ पर है। उसके बाद आपको GPRS को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप ऊपर देखेंगे तो हो सकता है आपके फ़ोन में 3 बिंदी हो, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारे फ़ोन में 3 बिंदी नहीं दिखा रही का निशान दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमारा APN जो कि बनकर तैयार हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है,
इस APN को सेलेक्ट कर लेना है। APN को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने मोबाइल को बंद करके चालू करना है। उसके बाद आप अपना इंटरनेट स्पीड चेक करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ चुका होगा और दोस्तों आपका नेटवर्क भी जल्दी नहीं ख़त्म होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपने BSNL का यानी वोडाफोन का इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपना नेटवर्क सही कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।